Hello people, I hope you're all doing really good. Today I'm here with a very important announcement for you all. I'm here launching this advanced case studies book. ये बुक क्या है सबसे पहले उसके बाद में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगा. दिस बुक कंटेन्स अप्रॉक्स 200 केस स्टडी क्वेश्चंस फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर स्टूडेंट्स. ठीक है, समझना ध्यान से. सर इसका नाम एडवांस केस स्टडीज क्यों दिया है? एडवांस केस स्टडीज मतलब इसमें आपके रेगुलर केस स्टडीज नहीं है. एक ऐसा स्टूडेंट जिसने एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उसने सारे जिसे कहते हैं ना पास्ट ईयर क्वेश्चन स्कैनर वगैरह सब देख लिया और उसका सोचोगे सर ये सारे केस स्टडीज तो हो गए बट हमें और केस स्टडीज चाहिए, थोड़े से एडवांस लेवल के, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के केस स्टडीज चाहिए. तो ये है आपके लिए एडवांस केस स्टडीज. ओके, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट कि जिस भी स्टूडेंट का एक बार सिलेबस कंप्लीट होकर उसने पूरा पास्ट ईयर पेपर वगैरह देख चुका है, स्कैनर वगैरह देख चुका है, उसी के बाद में वो इस केस स्टडी बुक के ऊपर आए, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट दीज आर एडवांस केस स्टडीज. ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ हाई लेवल की केस स्टडीज मिलेगी, फॉर एग्जांपल जो सीए फाइनल लेवल पे पूछी जाती है या फिर जो पहले सीएस प्रोफेशनल में कुछ केस स्टडीज पूछी जाती थी, तो थोड़ी सी टफ लेवल की, थोड़ी सी हायर लेवल की केस स्टडीज है, बिकॉज एज वी ऑल नो एग्जामिनेशन के अंदर नॉर्मली तो पेपर खैर एक मॉडरेट पेपर बनता है, बट 10-15 मार्क्स की कुछ एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, 10-15 मार्क्स के कुछ एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं. सो दीज केस स्टडीज आर रियली गोइंग टू हेल्प यू टू टैकल दोज क्वेश्चन. ओके, तो ये बुक उस व्यक्ति के लिए जिसका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उसने एक बार अच्छे से पढ़ाई कर ली है, जिसने एक बार अच्छे से पढ़ाई कर ली है उस व्यक्ति के लिए ये बुक है. अब एक क्वेश्चन आता है सर ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस किन के लिए है? ये बुक दोनों के हिसाब से बनी है, तो ओल्ड सिलेबस कंप्लीट लॉ के स्टूडेंट्स एज वेल एज न्यू सिलेबस कंप्लीट लॉ के स्टूडेंट्स इस बुक को यूज कर सकते हैं. सेकेंड, सर हमें इस बुक का प्रिंट आउट लेना है क्या? जी नहीं, इस बुक आपको प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू रीड दीज केस स्टडीज अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये एडवांस लेवल के, आपको फोकस करना है अपने बेसिक सिलेबस पे जो सीएस एग्जीक्यूटिव का है. इस केस स्टडी की बुक को सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू करना है, तो अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे रखो और डेली का 10-10 केस स्टडीज देखते चलो. डेली का 200 के आसपास केस स्टडीज इसके अंदर, तो आपके 20 डेज में खत्म हो जाएगा. तो डेली 10 क्वेश्चंस देखे, उसका आंसर देखा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन देखा, सोचा इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखा. दीज आर एडवांस केस स्टडीज एज द नेम क्लियरली सेज, तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम वंस. इसको वापस वगैरह रिवाइज करने की जरूरत नहीं. हाँ, अगर आपको लगता है कि इन 200 में से आपको 6 केस स्टडीज बहुत ही पसंद आ गए, क्या ये 6 तो हमारे बहुत काम के हैं, तो आपने 6 मार्क करके रख लिया और वो एग्जाम के एक दिन पहले भी देख ली. बाकी ये आपको बार बार नहीं देखना है, एक रीडिंग इसका कर लिया, दैट इज मोर एंड मोर देन सफिशिएंट. ट्रस्ट में आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेगी इस केस स्टडी बुक को रीड करने के बाद. ओके, ऐसा भी होता है क्या? ओके, ऐसा भी होता है क्या? सो दैट व्हेन दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन विल स्ट्राइक इन द एग्जामिनेशन, एंड आप देखते हैं जनरली क्वेश्चन नंबर 1 में डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो व्हेन दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू स्ट्राइक इन द एग्जामिनेशन, यू विल बी प्रीटी मोर कंफर्टेबल इन आंसरिंग दैट क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू विल रियली लव दिस बुक. द बुक वुड बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, in the comment section, so you can comfortably have it up. Further, after reading the book, after going through the book, give me a fair feedback of the book in the comment section. Okay, thank you so much people, keep working hard, keep studying.